गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें माइनर और सेकंड इसके बारे में पढ़ रहे थे। वीडियो लंबा हो गया था तो बीच में ही अपन ने को वो करना पड़ा था, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ लिया हुआ है ना। मतलब सारणी की परिभाषा क्या है उसके बारे में, कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, और उपसारणी के बारे में और सेकंड के बारे में आपको बता रहा था। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ उपसारणी के बारे में बताता हूँ। मैं एक सॉरी डिटरमिनेंट है ए, मैंने बोला इसको है 2, 1, 5, 0, 1, 4, 3, 6 और 7, ठीक है। ये आपका एक सारणिक है, डिटरमिनेंट है ये। और मुझे एलिमेंट टू का क्या लिखना है, उपसारणिक लिखना है बेटा, ठीक है। एलिमेंट ए का उपसारणिक हमें इसका लिखना है। तो देखो आप लोग कैसे कैसे चीज़ों को लिखेंगे, देखिए बेटा। तो मैं लिखा हूँ A11, इस वाले एलिमेंट दो का उपसारणिक। देखो क्या करना है आपको, इस वाले अवयव के संगत, इस अवयव के क्रॉसबॉन्डिंग ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दो। क्या बच गया, 1, 4, 6, 7, इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। 7 माइनस 24 कितना देगा, माइनस का 17। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 6 × 4 करना है, ठीक है। तो 7 माइनस 24 माइनस 17, ठीक है। ये इस अवयव दो की क्या है, उपसारणिक है। अवयव दो का क्या है, वो उपसारणिक है। इस अवयव दो का सेकंड लिखना हो, क्या लिखना हो, सेकंड को फैक्टर, उसको F11 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये -1 की पावर 1 प्लस 1 × A11, तो -1 की पावर, देखो ये जो 1 है, ये 1 प्लस 1 यहाँ आता है, तो 2 × A1 का मांगे ना -17। तो बेटा -1 की पावर जब भी सम आएगी तो प्लस हो जाएगा, तो -17 होगा। तो इसका को फैक्टर भी -17 है और उपसारणी भी इतना -17 है, ठीक है। इतनी बात अपन कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं सारणी, जो 3x3 ऑर्डर की जो सारणिक होती है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड और होता है, वो और देखिए कौन सा, सारस रूप बोलते हैं, सारस रूप उसको। कैसे क्या करते हैं सारस रूप में वो भी समझ लेना। जैसे ये वाली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मान लीजिए, ये वाली जो सारणिक आपकी 2, 1, 5, 0, 1, 4, 3, 6, 7, तो जो सारस रूप से जो सारणी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिर्फ 3x3 का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो शुरुआत के दो कॉलम हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, उसको वापस यहाँ लिखते हैं आगे 2, 0, 3 और 1, 1, 6। सेम इसको उतार दिया ऐसे, और अब क्या करते हैं, ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करिए, ये डायगोनल्स मल्टीप्लाई करिए, ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करिए। तो 2 × 1 × 7, 2 × 1 × 7, फिर प्लस 1 × 4 × 3, 1 × 4 × 3, फिर प्लस 5 × 0 × 6, 5 × 0 × 6, ये वाला पार्ट हो गया। फिर माइनस करने ये वाले डायगोनल, 3 × 1 × 5, 6 × 4 × 2, + 6 × 4 × 2, फिर 7 × 0 × 1, 7 × 0 × 1, बस सब सोल्व कर दीजिए इसको। ये 14 + 12 + 0 - 15 = 48 + 0, तो 26 - 3 = 63, माइनस करेंगे बेटा इसमें से तो आ जाएगा बेटा 7 और ये 3, 37 आपका माइनस का आंसर हो जाएगा, माइनस का 37 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा सूपे भी आंसर जो इसकी वैल्यू वो सेम आएगी, और अगर आप एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो भी वैल्यू सेम आती है। शुरुआत के दो कॉलम्स को आगे एडिटिज लिखें, फिर पहले इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो जोड़ दो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो घटा दो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.2
1 में, आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पहला तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिटरमिनेंट दे रखी है आपको और क्या दे रखी है, के टू फोर माइनस थ्री विल बी जीरो, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। इस के टू फोर माइनस थ्री, ये ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखी है, इसकी जो डिटरमिनेंट बनाओगे तो डिटरमिनेंट कैसे बनेगी बेटा, के टू फोर माइनस थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो दे रखी है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री के, माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से माइनस थ्री के इक्वल टू एट, देन के इक्वल टू एट बाई थ्री, एट बाई माइनस का एट बाई थ्री, या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट ही है ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान है एकदम बिल्कुल, ये 4.1 जो है। लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट एक्स वाई टू फोर इक्वल टू जीरो, तो बेटा ये फोर एक्स और ये टू वाई माइनस का टू वाई इक्वल टू जीरो, हमें क्या बताना है, फोर एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स रेशियो वाई बताना है, तो वाई को बटे लिया मैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या जाएगा, टू बाई फोर यानी वन बाई टू, तो एक्स रेशियो वाई क्या बन जाएगा बेटा, वन रेशियो टू, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या लिखा हुआ मेरे पास, टू थ्री वाई एक्स इक्वल टू फोर, और एक और गिवन है हमें, तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही एक और हमें जो गिवन है एक्स वाई और फोर टू इक्वल टू सेवन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, अभी इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ रख लो, टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू सेवन, माइनस कर दो तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का थ्री, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टू एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इक्वल टू फोर, तो टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फोर, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई, आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था भाई, क्वेश्चन नंबर फोर में आओ, ये नोट कर लिया करो, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, फिर क्वेश्चन नंबर फोर पे आया करो। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है लिखा, डिटर्मिनेंट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेटा कैसे सॉल्विंग को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, फिर माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, इनको मल्टीप्लाई किया फिर माइनस ये करते हैं इक्वल टू के आपके पास जीरो है, जब ये खोलोगे ब्रैकेट तो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस थ्री, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो
बड़ा एक्स स्क्वायर कट गया यहाँ से, माइनस के 4x, तो माइनस के 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग द फर्स्ट कॉलम, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, हमें मैं डिटर्मिनेंट गिवन है 1-3, 2, 4-1, 2, 3, 5 and 2। ठीक है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग द फर्स्ट कॉलम, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए बेटा जी, आप लोग फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम के हमें क्या निकालना है, फर्स्ट कॉलम में क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ माइनर। देखो A11 निकालना है, फिर A21 निकालना है, ये एलिमेंट वन सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, फिर हमें A31 निकालना है। तो A1 में देखो क्या क्या निकालेंगे भाई, ये कॉलम छोड़ दिया आपने, रो छोड़ दी, क्या बचा, -1, -1, 2, 5, 2, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2, -2, -10, तो -12, ये तो आपका माइनर हो गया। इसका कोफैक्टर F11, तो -1 की पावर 1 + 1 × A11, A11 ये बेटा 1 हो गया, A1 की वैल्यू -12 है, तो ये बेटा -12 आ गया। ठीक है, ये क्या आपके कोफैक्टर हैं, ऐसे A21, तो अब क्या करेंगे, ये वाला कॉलम जिसमें ये वाला एलिमेंट और ये वाली रो छोड़ देंगे, क्या बचा, -3, 2, 5, 2, वैल्यू -6, -10, तो -16 आ जाएगी बेटा। ठीक है, और कोफैक्टर F21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू -16, जो इसका ये A21 माइनर जो है वो, तो ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस प्लस आएगा, वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 16। ऐसे A31 इस वाले एलिमेंट का माइनर यानी उपसारणिक, A31 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, ये छोड़ दिया आपने और ये छोड़ दिया, क्या बचा, -3, 2, -1, 2, तो -6 + 2, माइनस का 4 आ जाएगा बेटा, और F31 वो क्या, -1 की पावर 3 + 1, सेकंड जो इसका भाई है ना कोफैक्टर, -4, तो ये अब तो प्लस हो जाएगा -4, तो -4 ही आएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 का फर्स्ट पार्ट था भाई ना ये, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, 6th और 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। 6th में भी वैल्यू फाइंड करनी है और 7th में भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब उसका एक्सपेंड करना है। 7th में बता देता हूँ, और बच्चे दोनों क्वेश्चन आप करना, नहीं आए तो डॉट क्लास में पूछ लेना। हिंदी मीडियम के बच्चों, अगर ये कोफैक्टर वगैरह में दिक्कत है, कोफैक्टर मतलब सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है, सेकंड और उपसारणिक। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 1AB लिखा, 1AB -A 1C एंड -B - C और 1। देखो एक्सपेंड कर लो रो 1 से, तो 1 × 1 - 1 + C² हो जाएगा, 1 × 1 × 1 वे -O - C², तो +C², फिर माइनस का ए, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, तो माइनस का ए और प्लस का BC, फिर +B × ये छोड़ दिया, तो माइनस का प्लस का AC और माइनस का प्लस का B, ब्रैकेट खोल दो, तो 1 + C² प्लस का A² -ABC + ABC + B², ये कैंसिल आउट हो गया,
तो 1+a² + b² + c² ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.2, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसी से हमेशा क्वेश्चन आता है। 4.1 से बहुत कम चांस रहता है क्वेश्चन आने का। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।